Today I'm going to tell you about what is YouTube Fair Use Policy. What is fair use? The term fair use originated in United States. Fair use is a legal doctrine that allows the use of copyright material without the permission of the copyright owner. Fair use मतलब है कि आप कुछ चीजें जो हैं वो आप use कर सकते हैं बिना copyright owner की permission के. तो ऐसी मटेरियल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट ओनर परमिशन उसके यूज़ को हम फेयर यूज़ कहते हैं. और ये यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ. डज इंडिया हैव अ फेयर यूज़ पॉलिसी? क्या इंडिया में भी फेयर यूज़ पॉलिसी है? डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग इज एन एक्सेप्शन टू लॉ दैट वुड usually protect any material that would be considered to be a copyrighted as under Indian Copyright Act 1957 mein yahan par bhi ek act bana jisko fair use ke liye use kiya gaya, policy fair use policy ke liye use kiya gaya. Fair use is one of the most debated word in YouTube पे फेयर यूज एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है. माई फेयर यूज पॉलिसी. बाई फेयर यूज पॉलिसी द क्रिएटर कैन यूज द कॉपी राइटेड मटीरियल इन देयर क्रिएशन बट देयर आर मैनी थिंग्स टू बी कैप्ट इन माइंड बाई यूजिंग कॉपी राइटेड मटीरियल सच एज द कॉपी राइट मटीरियल आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसको यूज करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी. इसमें है पहला, इट शुड नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज. आप किसी कमर्शियल पर्पज के लिए उसको ना यूज कर रहे हो. दैट इज यू कैन नॉट मोनिटाइज द वीडियो. अगर कोई ऐसी चीज आप यूज कर रहे हैं वीडियो में तो वो मोनिटाइज नहीं होगा. यू कैन नॉट यूज द होल कॉपी राइटेड मटीरियल. पूरे कॉपी राइट मटीरियल को आप नहीं यूज कर सकते. इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज सम पार्ट ऑफ इट. अगर कुछ यूज भी करना चाहते हैं तो उसका कुछ ही पार्ट आप यूज कर सकते हैं, पूरा नहीं यूज कर सकते. इफ यू यूज द मटेरियल इट शुड नॉट हार्म द ओरिजिनल ओनर इन एनी वे. और अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो वो किसी तरह से ओरिजिनल ओनर को हार्मफुल ना करे ना ही उसकी रेपुटेशन को खराब करे. यूएस फेयर यूज फैक्टर. अब यूएस ने कुछ फेयर यूज के फैक्टर बताए हैं. यूनाइटेड स्टेट कॉपी राइट लॉ इंक्लूड्स कमेंट्री, सर्च इंजन क्रिटिसिज्म, पैरोडी, न्यूज रिपोर्टिंग, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप. इन सब एरिया में आप कॉपी राइट मटीरियल का यूज कर सकते हैं. कॉपी राइट मटीरियल इन अनदर ऑथर वर्क अंडर अ फोर फैक्टर टेस्ट. जिसके लिए फोर फैक्टर टेस्ट बनाए हैं. द पर्पज एंड करेक्टर ऑफ द यूज कमर्शियल नेचर और नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशनल पर्पस. अब कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशनल पर्पस के लिए. अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना है तब तो आप यूज कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो नहीं यूज कर सकते. द नेचर ऑफ कॉपी राइटेड वर्क. उसका क्या नेचर है कॉपी राइट वर्क का उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. अब कुछ ही portion उसका आप use कर सकते हैं, पूरा नहीं use कर सकते. The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. क्योंकि उसका potential market पर पूरा effect पड़ता है, इसलिए हम इसके पोटेंशियल मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते. वैसे उन्होंने कमेंट्री, सर्च इंजन क्रिटिसिज्म, पैरोडी, न्यूज रिपोर्टिंग और रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए मटेरियल को यूज करने की परमिशन दे दी. स्पेशली फॉर एजुकेशनल पर्पज यू कैन यूज योर द कॉपी राइटेड मटीरियल एंड देर इज नो हार्म फॉर योर वीडियो. What is considered a copyright infringement? अगर आप कुछ यूज़ करते हैं तो उससे क्या रूल आप तोड़ते हैं
उसको इसमें बताया गया है, एज अ जनरल मैटर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन अ कॉपीराइटेड वर्क इज रिप्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड परफॉर्म्ड पब्लिकली डिस्प्लेड और मेड इनटू डेरिवेटिव वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। अगर आप किसी कॉपीराइट ओनर का वर्क रिप्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं, और तो वो आप कॉपीराइट रूल को तोड़ते हैं, डेरिवेटिव वे में आप वर्क को उनके दिखाते हैं। What are the five fair use exception to copyright? अब किन पांच केसेस में आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हैं वो इस प्रकार है। The copyright law identifies certain type of uses including criticism and comment, news reporting, teaching, scholarship and research and parody। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं यूएस में इसको अलाउ किया गया था और वही एक्सेप्शन यहाँ पर भी यूज होता है। एज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट मे क्वालिफाई एज अ फेयर यूज, ये पांच कैटेगरी आपके फेयर यूज में आती है, क्रिटिसिजम, कमेंट, न्यूज रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च एंड पैरोडी। टीचिंग में इसलिए भी आता है क्योंकि आप बिना मटेरियल को यूज किया आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा या बच्चे उसको कैसे समझेंगे। व्हाट हैपन इफ यू यूज द कॉपीराइटेड इमेज विदाउट परमिशन, अब विदाउट परमिशन यूज करने पे यूज क्रिएटिव वर्क सच एज लोगो, फोटो, इमेज और टेक्स्ट विदाउट परमिशन कैन इंफ्रिंज अ कॉपीराइट लॉ। आप किसी का लोगो, किसी का फोटो, किसी की इमेज और टेक्स्ट अगर आप यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट लॉ को तोड़ता है। व्हाट इज फेयर यूज फॉर इमेजेस, अब तो फिर फेयर यूज के लिए इमेजेस कैसे यूज करें। फेयर यूज अलाउ कॉपीइंग ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल इन एन एजुकेशनल सेटिंग सच एज टीचर्स और स्टूडेंट यूजिंग इमेजेस इन क्लासरूम। फेयर यूज इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट एंड कैन बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन इन सर्टेन केसेस। अ डिजिटल कॉपी इज अ कंसिडर्ड ऑन सेम फुटिंग एज अ प्रिंट कॉपी फॉर पर्पज ऑफ फेयर यूज। तो स्टूडेंट और टीचर्स जो होते हैं वो उनको यूज कर सकते हैं डिजिटल कॉपी को, जिससे वो उससे पढ़ सकें और पढ़ा सकें। इज इट लीगल टू ड्रॉ कॉपीराइटेड फोटो, क्या फोटो को भी हम यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफर कैन बी कॉपीराइटेड, अ ड्रॉइंग मेड फ्रॉम अ कॉपीराइटेड फोटोग्राफर इज डेरिवेटिव वर्क। Such as drawing can be published only if the copyright owner of the underlying photograph has given his express consent. अगर फोटोग्राफर अपने फोटो के लिए कॉन्सेंट देता है कि हाँ आप यूज कर सकते हैं तब आप उसके फोटोग्राफ को यूज कर सकते हैं। How can we avoid violating fair use? तो फिर हम लोग बचें कैसे, कैसे पता लगे कि कौन सा copyrighted है कौन सा नहीं है। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदमी बहुत बार फ्री साइट से पिक्चर को डाउनलोड करता है लेकिन वो कॉपीराइटेड रहती है। तो जब आप पिक्चर डाउनलोड कीजिए तो उसके डिटेल्स को पढ़ लीजिए क्योंकि हर पिक्चर में डिटेल दिया होता है कि वो लाइसेंस वाली है कि बिना लाइसेंस की है। तो जो लाइसेंस वाली है उसको आप मत डाउनलोड कीजिए। इवन इन फ्री साइट कुछ पिक्चर्स और म्यूजिक और वीडियोज जो होते हैं वो कॉपीराइटेड होते हैं और हमें पता नहीं होता है। बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड वायलेटिंग फेयर यूज, तो इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा यूज ही ना करिए। बी ओरिजिनल, अपना खुद का बनाइए। मेक श्योर योर कॉन्टेंट इज नॉट कार्बन कॉपी ऑफ द कॉपीराइटेड कॉन्टेंट यू आर पुलिंग फ्रॉम, कहीं से अगर आप ले रहे हैं तो वो फुल्ली वैसा ही नहीं होना चाहिए जैसा कि उसने बना रखा है, अदरवाइज वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा। डोंट लुक टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ कॉन्टेंट यू डू नॉट ओन, जो आपका नहीं है उस पर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाए तो ऐसा मत करिए। लिमिट योर सेल्फ टू अमाउंट ऑफ कॉपीराइटेड मटीरियल यू एडेड टू योर कॉन्टेंट, और कोशिश करिए कि कम से कम किसी के मटीरियल को आप यूज करिए।
हाउ कैन आई लीगली यूज कॉपीराइट मटेरियल। तो अगर मान लीजिए हमें यूज ही करना है कॉपीराइट मटेरियल तो कैसे यूज करें, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ऑन अ वे टू मेक श्योर योर इंटेंडेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क इज लॉफुल इज टू ऑब्टेन अ परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। जो जिसका सामान है उसी से आप परमिशन और लाइसेंस लीजिए। कॉन्टैक्ट अ कॉपीराइट ओनर और ऑथर एज फार एज पॉसिबल इन एडवांस ऑफ व्हेन यू वांट टू यूज द मटेरियल स्पेसिफाइड इन योर परमिशन रिक्वेस्ट। और उससे रिक्वेस्ट करिए और उससे परमिशन लीजिए। हाउ डू यू राइट अ फेयर यूज डिस्क्लेमर। मान लीजिए आपको कॉपीराइट क्लेम आ ही गया या स्ट्राइक आ गई, तो आप कैसे डिस्क्लेमर उसके लिए कैसे उससे बचिएगा। यू आर राइट अ फेयर यूज डिस्क्लेमर बाय फॉलोइंग दीज थ्री स्टेप। उसके लिए आपको तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियरली स्टेट दैट योर साइट में कंटेन कॉपीराइटेड कंटेंट नॉट ऑथराइज फॉर यूज बाय द ओनर। आप क्लियरली लिख दीजिए कि हमने यूज़ किया है कॉपीराइट कंटेंट विदाउट ओनर की परमिशन के। एक्सप्लेन दैट यू यूज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट फॉल अंडर द गाइडलाइंस ऑफ फेयर यूज। और उसके लिए हमने आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने फेयर यूज के लिए उसके कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ किया। साइट और लिंक टू सेक्शन 107 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। अब उसके लिए सेक्शन 105 कॉपीराइट एक्ट है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हाउ डू यू राइट अ फेयर यूज डिस्क्लेमर ऑन यूट्यूब। अगर आपने किसी में कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ गया है तो आप लिख सकते हैं कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976। अलाउंस इज मेड फॉर फेयर यूज फॉर पर्पस सच एज क्रिटिसिज्म कमेंट न्यूज रिपोर्टिंग स्कॉलरशिप एंड रिसर्च। फेयर यूज इज यूज परमिटेड बाय कॉपीराइट स्टैट्यूट दैट माइट अदरवाइज बी इंफ्रिंजिंग। आप अगर इसको लिख दीजिएगा अपने वीडियो में तो आपको स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, आपको क्लेम नहीं उससे बचा जा सकेगा। तो पहली बात तो यूज ही मत करिए, और यूज गलती से हो गई है तो इस डिस्क्लेमर को लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक थिंक दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल टू यू प्लीज फॉलो माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो कम्युनिटी टैब, रन वीडियो, कमेंट देयर एंड क्लिक ऑन पोल्स। Ask question if any and join Telegram channel Tech Ratan. Thank you viewers. This is all today.